हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही चटपटा गेहूँ के आटे से बनने वाली नाश्ता। नाश्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप आटा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच सूजी। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे। A few moments later. देखिए फ्रेंड्स, इस तरह का बैटर तैयार कर लिया है। ये ना ही ज्यादा गाढ़ा है और ना ज्यादा पतला। अब इसे 10 मिनट रेस्ट के लिए रख देते हैं, तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है, पैन को गर्म कर लेंगे। पैन गर्म हो गया है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच तेल। तेल को गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गया है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी राई के दाने और थोड़ी सी साबुत जीरा। इन सबको अच्छे से चटकने देंगे। ये अच्छे से चटक गया है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बारीक कटी हुई प्याज। प्याज को हल्का सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। प्याज सॉफ्ट हो गया है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी कद्दूकस किया हुआ गाजर, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और 1 बारीक कटी हुई टमाटर। इन सबको थोड़ा सा भून लेंगे। मैंने इन सबको हल्का सा भून लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 से 3 चम्मच धनिया की पत्ती। इसे मिक्स कर लेंगे। अब गैस को बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने देंगे। देखिए फ्रेंड्स, बैटर भी अच्छे से सेट हो गया है। इधर मिक्सर भी ठंडा हो गया है। अब इसे बैटर में डाल देंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कलर के लिए थोड़ी सी हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और थोड़ी सी चाट मसाला। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब चलते हैं इसका नाश्ता बनाने। अब मैंने यहाँ पर लिया है एक पैन, आप चाहे तो तवा भी ले सकते हैं। पैन को गर्म कर लेंगे। पैन गर्म हो गया है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच बैटर। बैटर को इस तरह से फैलाते हुए डालेंगे। इसको हल्का सा फैला लेंगे और इसे एक साइड से अच्छे से सिकने देंगे। A few moments later. अब इसे पलट कर चेक कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक साइड से अच्छे से सिक गया है, दूसरे साइड से भी सेक लेंगे। अब इसे क्रिस्पी बनाने के लिए इस पर हल्का सा तेल लगा देंगे और दोनों साइड से इसे क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये कितने अच्छे से सिक गया है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और बाकी बैटर को भी इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। A few moments later.